वेलकम टू सक्सेस इज टेक माई सेल्फ महादेव मेत्रे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर नंबर 25 कम्युनिटी हेल्थ. नमस्कार, सक्सेस एजुटेक में आप सभी का स्वागत करते हैं. मेरा नाम महादेव मेत्रे है. आज हम चैप्टर 25 पार्ट 25वां देखने जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य. सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इसकी जानकारी हम पूरे विस्तार से इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं. तो चलिए पूरे जोश और होश के साथ शुरुआत करेंगे देर न करते हुए. लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य. न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड परस्यूट ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सलेंट हेल्थ एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट. पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और रुचि के उचित संवर्धन द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है. जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट मेक एफर्ट टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल. व्यक्ति का विकास होता है जिस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए. Everyone in our society should be able to live the kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves. जिस प्रकार हम सबको तनाव रहित और आनंदमय जीवन की इच्छा होती है, वैसा ही जीवन संपूर्ण समाज को भी उपलब्ध होना चाहिए. And good health on the part of all individuals in a community. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों से हमारे समाज का स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है. Pollution, squalor, epidemics of infectious diseases, एडिक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेस आर ऑल थ्रेट्स टू कम्युनिटी हेल्थ. टू नर्च्यू कम्युनिटी हेल्थ इज टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच डिसीजेस एंड टू मेक अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पॉसिबल फॉर ऑल. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों से हमारे समाज का स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है. प्रदूषण, गंदगी, महामारी, व्यसनाधीनता, कीटकों के दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होते हैं. सर्वसामान्य लोगों का ऐसे रोगों से संरक्षण करना और उन्हें एक आनंदमय और स्वास्थ्य जीवन उपलब्ध करा देना ही सामुदायिक स्वास्थ्य का संवर्धन है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व. द पीपल ऑफ कंट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उस देश के निवासी है. देयर हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड मेडिकल फैसिलिटीज. स्वच्छ पर्यावरण, पोषक आहार, शुद्ध पानी और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो
तो लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यही कारण है कि समाज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मास मीडिया आर यूज्ड अंडर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्रामर्स टू एजुकेट पीपल अबाउट इश्यूज सच एज टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। यही कारण है कि समाज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पानी तथा खाद्य पदार्थ के प्रति सावधानियां रखने से संबंधित शिक्षा लोगों को दी जाती है। इसके लिए संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। पीपल आर अर्ज्ड इन एवरी पॉसिबल वे टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। इट इज़ अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। द एम ऑफ दिस बैन इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सदैव लोगों से आग्रह किया जाता है। प्रसार को रोकना ही है। What are the threats to the health of the community? सामुदायिक स्वास्थ्य किस कारण खतरे में पड़ता है? There are several threats to community health. An important threat is carelessness regarding hygiene. From the actions given below, mark those that are harmful with a cross and write the explanation in your notebook. अनेक कारणों से सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों के प्रति उदासीनता उनमें से एक मुख्य कारण है। अगले पृष्ठ पर दी गई कौन सी आदतें सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए घातक है उन पर क्रॉस मार्क जैसा चिन्ह बनाकर उनका स्पष्टीकरण अपने कॉपी में लिखो। फर्स्ट, बर्निंग ओल्ड टायर्स, पुराने टायरों को जलाना। सेकंड, स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, सड़क पर कहीं भी थूकना। थर्ड, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना। फोर्थ, लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना। फिफ्थ, फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इन कॉजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, संक्रामक रोग होने पर उसका प्रसार न हो इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना। सिक्स, वॉशिंग योर हैंड्स। सेवंथ, थ्रोइंग गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन द रोड, घर का कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक एंड राइट, बोलो और लिखो। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल फॉर कम्युनिटी हेल्थ आर मेंशन्ड बिलो। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूटेड वाटर, माल न्यूट्रिशियस एटसेट्रा। सामुदायिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले कुछ मुख्य घटकों का उल्लेख नीचे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूटेड वाटर, माल न्यूट्रिशियस एटसेट्रा। हाउ ईच ऑफ दीज फैक्टर्स हार्म्स कम्युनिटी हेल्थ इज गिवन इन द फर्स्ट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। उदाहरण के लिए दूषित पानी, कुपोषण इत्यादि, इन प्रत्येक घटक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य किस प्रकार खतरे में पड़ता है उसे उसके सामने पहली चौकट में लिखा गया है। सम सजेस्टेड रिमेडीज आर मेंशन्ड इन द नेक्स्ट बॉक्स। एड अदर इल इफेक्ट्स एंड रिमेडीज टू द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। दूसरी चौकट में कोई उपाय सुझाया गया है। इन दोनों चौकटों में तुम इसमें
अन्य जानकारी जोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुझाओ। फर्स्ट, पॉल्यूटेड कॉलरा, दूषित पानी, हैजा। सेफ वाटर सप्लाई, ऑप्शन हायर नंबर्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स, बाल मृत्यु दर में वृद्धि। न्यूट्रिशियस डाइट, पौष्टिक आहार। पोल्यूशन, डेंजर टू द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। प्रदूषण, पर्यावरण के लिए खतरा, पर्यावरण संरक्षण। देन इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस, अज्ञान एवं अंधविश्वास। ओवरस्टिशन, डिसेप्शन, शोषण, धोखाधड़ी। साइंटिफिक टेम्पो, विज्ञान पर विश्वास। देन एडिक्शंस, व्यसनाधीनता। अनहैप्पी फैमिली लाइफ, पारिवारिक अस्वास्थ्य। डेडिक्शन प्रोग्रामर्स, व्यसन मुक्ति के प्रयास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज होलसम लिविंग, निरामय जीवन। इफ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लाइफ, कीपिंग आवर सेल्स हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ हेट। Health helps us to achieve this end. If people of a society live a healthy and wholesome life, social tensions also decreases and feelings of friendship can be nurtured. हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए निरोगी जीवन जी सकते हैं। किसी से द्वेष और डाह न रखना, सदा प्रफुल्लित तथा उत्साहित रहना, शरीर स्वास्थ्य रखना जैसी बातों को अपनाना चाहिए। निरामयता द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बनता है। स्वस्थ समाज से सामाजिक तनाव में कमी आती है। निरामयता से पारंपरिक मित्रता की भावना बढ़ती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू सेवन। नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटका, सिगारेट्स, बीडीज, मशेरी, मावा, पान मसाला एटसेट्रा आर ऑफन हर्ड। हम निरंतर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मिस्सी यानी जलाई हुई तंबाकू का दंतमंजन, देन पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त कई पदार्थों के नाम सुनते रहते हैं। वी ऑल्सो सी मेनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको इन डिफरेंट वेज। All these are harmful for our health. At first, a person may chew tobacco casually at someone's urging, but this may lead to addiction. The person becomes dependent on tobacco and cannot give up the habit. प्रारंभ में किसी के आग्रह से
पर व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है। सहज रूप में सेवन प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है। बार बार तंबाकू का सेवन करने से ऐसा व्यक्ति तंबाकू के आदीन हो जाता है। व्हेन पीपल डेवलप दिस हैबिट दे बिकम रेस्टलेस। इफ दे डू नॉट गेट टोबैको दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। तंबाकू के चबाने की आदत का परिणाम यह होता है कि उसका सेवन किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। दे हैव टू हैव टोबैको इन द माउथ ऑल द टाइम। व्हेन द हैबिट रीचेस दिस स्टेज इट इज कॉल्ड एन एडिक्शन। मुंह में सदैव तंबाकू भरी रहती है। जब ऐसा होता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तंबाकू की लत लग गई है। सराउंडिंग्स डायरेक्टली डर्टी। पीपल एडिक्टेड टू टोबैको स्पिट हियर एंड देयर ऑल द टाइम एंड मेक देयर सराउंडिंग्स डर्टी। जब ऐसा होता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तंबाकू की लत लग गई है। वह व्यक्ति तंबाकू चबाकर स्थान स्थान पर थूक कर परिसर गंदा करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। तंबाकू सेवन के कुप्रभाव। अल्सर्स इन द माउथ। मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं। द अल्सर्स डेवलप इन टू बिगर वाउंड्स। द पर्सन में डेवलप ट्यूमरस। ये घाव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों में मुंह के अंदर गांठें बन जाती है। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन अ ट्रीटमेंट। इफ द वाउंड्स डू नॉट हील द पर्सन हैज़ सीरियस प्रॉब्लम्स। दिस कैन इवेंचुअली लीड टू होने पर गंभीर कष्ट होते हैं और अंत में उस व्यक्ति का मुंह का कर्क रोग हो सकता है। इसे कर्क रोग का कैंसर कहते हैं। टोबैको एंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लीड्स टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन कॉज कैंसर ऑफ एनी ऑफ दोज ऑर्गन्स। तंबाकू के कण उदर में पहुंचने पर उदर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यदि तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रहे तो आहार नाल का कैंसर हो सकता है। अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट बी श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड। कैंसर के रोगी का औषधि उपचार भी अत्यधिक कष्टदायी होता है। इतना होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि कर्क रोग ठीक हो जाए। हम विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति पूर्णतः कैंसर मुक्त हो गया।
Now the next important point, alco. Effects of on the body. Addiction to alcohol is called alcoholism. तंबाकू ही की तरह मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है. मद्यपान का अर्थ है शराब पीना अर्थात मदिरा का सेवन करना. अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्रॉजी एंड कन्फ्यूज्ड. वन लूजेस कंट्रोल ओवर वन्स एक्शंस. मद्यपान द्वारा नशा या बेहोशी से अति आती है तथा मानसिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है. अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत आंतों और मूत्राशय के रोग होते हैं. अल्कोहलिज्म कॉजेस डिजीजेस ऑफ द लीवर इंटेस्टाइन्स एंड यूरिनरी ब्लैडर. एडिक्शन टू टोबैको और अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स. इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वाइसेस. नेवर बी निग्लिजेंट अबाउट हेल्थ. तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही बुरी आदतें हैं. ऐसी घातक आदतों से हमें सदैव कोसों दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के संबंध में असावधान नहीं रहना चाहिए. द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज टू सफर विद देम. To great trouble and a lot of time and efforts are wasted. The family gets deprived of health and happiness and is ruined. मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की अवस्था दयनीय हो जाती है होती है. साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं. उपचार के लिए अत्यधिक खर्च भी करना पड़ता है. समय व्यर्थ जाता है. दौड़ धूप करनी पड़ती है. परिवार में हर्ष तथा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं रह जाता और परिवार बिखर जाता है. वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज द एंटायर फैमिली. ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ध्वस्त कर देता है. इसका बोध इस व्यक्ति को होना चाहिए. सी इन दिस पिक्चर स्टे अवे फ्रॉम दीज हैबिट्स. यानी इन आदतों से दूर रहना है. बी अवेयर समझो सावधान. सेविंग टोबैको स्मोकिंग सिगारेट्स और बीडीज टेकिंग स्नफ रबिंग मशेरी और चेरुट आर ऑल एक्सट्रीमली हार्मफुल. तंबाकू का सेवन सिगरेट तथा बीड़ी पीना सुंदनी सुदना सूंघना दांतों पर मिसी रगड़ना चिलम हुक्का चुरुट पाइप इत्यादि द्वारा तंबाकू का सेवन करना. इनमें से किसी भी रूप में तंबाकू में से तंबाकू का सेवन करना उतना ही घातक होता है. बिसाइड्स अल्कोहल एंड टोबैको पीपल आल्सो फॉल प्रे टू सम अदर एडिक्शन सच एज
द एडिक्शंस टू ड्रग्स लाइक कोकेन ब्राउन शुगर एट्सेट्रा दिस एडिक्शंस कैन टोटली डिवेस्टेट योर लाइफ। शराब और तंबाकू की तरह आजकल एक भयंकर व्यसन समाज में फैलने लगा है। इस व्यसन द्वारा युवा लड़कों तथा लड़कियों का जीवन ध्वस्त हो रहा है। इस व्यसन का अर्थ नशीले पदार्थों का सेवन करना है। इसमें कोकेन, हीरोइन इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग्स टोबैको एंड अल्कोहल यूज एंड इनविटेशन टू डेथ। तंबाकू तथा सेवन तथा मद्यपान मृत्यु को बुलावा है। टोबैको मद्यपान और विभिन्न नशीले पदार्थ नशा उत्पन्न करते हैं। एडिक्शन टू एनी ऑफ देम इवेंचुअली किल्स यू। इनका व्यसन अंत में व्यक्ति के प्राण ले लेता है। एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ दीज एडिक्शंस एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। प्रत्येक व्यक्ति को मद्यपान, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों के सेवन के कुप्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनसे दूर रहना चाहिए। देयर आर पीपल हु लूर अदर्स इन टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ट्राइंग और ड्रग्स। ऑन नो अकाउंट शुड बी गिव इन टू देयर प्रेशर। कुछ लोग विभिन्न आकर्षण बताकर मद्यपान अथवा धूम्रपान के लिए हमें प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके दबाव का शिकार नहीं बनना चाहिए। इफ अ पर्सन स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, द हेल्प ऑफ काउंसलर्स और डॉक्टर्स शुड बी sought immediately to rid the person of the habit। मद्यपान अथवा धूम्रपान के वशीभूत हो रहे हो तो इससे बाहर निकल आने के लिए सलाह और चिकित्सक की सहाय ले। regularly and take up sports and other habits, one should be firm in avoiding any addictions। सही समय पर अपना आहार ग्रहण करें, खूब खेलें, अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करें, मन पर नियंत्रण रखें और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहे। See in this picture परसिंग हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में है। विभिन्न रुचियों का संवर्धन करना, यानी हम अपनी बुरी आदतों से हटकर अच्छी आदतों को अपनाना है, उनके प्रति अवेयरनेस जागृत करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ट्राई करके देखो। ऑल ऑफ अस हैव certain habits, some such habits are mentioned below, put them into three groups, good habits, bad habits and pointless habits। हम में से बहुत से लोगों में आगे दी गई आदतों में से कुछ आदतें होती है। इन आदतों का तीन समूहों में अच्छी, बुरी और अनुपयोगी आदतों में वर्गीकरण करो। फर्स्ट, इन्फॉर्मिंग योर
फैमिली मेंबर्स, वेयर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी बैक। घर के लोगों को यह बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक। हेयर अ पेंसिल एट्सेट्रा ऑल द टाइम। चोटी, पीते रिबन अथवा मोबाइल पर निरंतर खेलना। फोर्थ, बाइटिंग वंस नेल्स, नाखून कुतरना। फिफ्थ, मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर। समय सारणी के अनुसार दूसरे दिन का अपना बस्ता पिछले दिन रात के समय ही तैयार करना। देन सिक्स्थ, फ्रीक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेनकोट, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा। छाता, रेनकोट यानी बरसाती, पेंसिल, कलम घर पर या विद्यालय में बार बार भूल जाना। देन द लास्ट सेवन्थ वन इज पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट। टीवी देखने का समय निश्चित करके केवल उतने ही समय तक टीवी देखना। नेक्स्ट पॉइंट, यूज योर ब्रेन पावर। थोड़ा सोचो, व्हाट बैड हैबिट्स विल यू गार्ड अगेंस्ट व्हाइल ट्राइंग टू अचीव योर एम और इंटरेस्ट इन लाइफ। मान लो कि तुमने अपने जीवन का ध्येय निश्चित किया है, और तुम्हें फुटबॉल खिलाड़ी चिकित्सक किया है, तुम्हें फुटबॉल खिलाड़ी चिकित्सक लेखक बनना है, तो इस ध्येय पूर्ति का प्राप्ति ऑलवेज रिमेम्बर, इसे सदैव ध्यान में रखो। लर्न टू से नो फर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट्स। कभी भी बुरी आदत न लगे इसलिए उसको दृढ़तापूर्वक नकारना सीखो। व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा। ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट्स टू मेंटेन द कम्युनिटीज हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। वी मस्ट बी अलर्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। सामुदायिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में सदैव सावधान रहना चाहिए। होलसम लिविंग लीड्स टू गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ। सामुदायिक निरामयता ही हम सबके और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य में वृद्धि लाती है। वन नीड्स टू बी फर्म विथ आवर वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। व्यसनों से दूर रहने के लिए हमारे अंदर कोई ना कोई अच्छे शौक, अच्छी रुचि होनी चाहिए। मन पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण रखकर हम बुरे व्यसनों से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर 25वां पार्ट कम्युनिटी हेल्थ। पार्ट समझ में आया होगा, यानी कि इस पार्ट में पूरी तरीके से हमने जाना कि व्यसन करना कितना गलत है, गलत व्यसनों का व्यसन होना गलत बात है, यह बात हमने समझी है। तंबाकू का सेवन हो, कुछ शराब पीना हो, मदिरापान, साथ में बहुत सारी ऐसे व्यसन बताए गए हैं, बीड़ी, सिगरेट, इसका सेवन करना, ये सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं इस पर भी उपाय हमने देखे हैं। अच्छी आदतों का संवर्धन करेंगे तो बुरी आदतों से
हम छुटकारा पा सकते हैं। एक बार हम उस आदत में पड़ गए तो उससे बाहर आना कठिन हो सकता है, इसलिए समय रहते ही हमें उस पर सजग रहना है। अवेयरनेस सभी में जागरूक करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ये पाठ हमने देखा है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया है पूरी तरीके से। हम भी इन व्यसनों से सदैव दूर रहे, और दूसरे कोई भी इस व्यसन से ग्रस्त है तो उनको भी हम मार्गदर्शन के रूप में यह ऑडियो या पाठ उनको दे सकते हैं, ताकि वह भी उन व्यसनों से दूर हो सके। क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य है तो हमारा जीवन हम आनंद से जी सकते हैं। हमें जो ये शरीर मिला है उसका हम सही उपयोग हमारे जीवन में कर ले, इसलिए व्यसनों में न फंसे। तो चलिए इसी के साथ हम साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।